अपडेट और खबरों के लिए टीवी वन इंडिया को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबाना मत भूलें। बिहार में गरमाया चीन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन, बेगूसराय में जली चीनी राष्ट्रपति की तस्वीर और वस्तुओं की होली। गलवान घाटी में चीनी सेना की करतूत और भारतीय सैनिकों की शहादत पर भारत के कई राज्यों में चीन के खिलाफ आक्रोश बढ़ता जा रहा है। बिहार के बेगूसराय में आम आदमी पार्टी ने सैनिकों को श्रद्धांजलि देने कैंडल मार्च निकाला और चीन के खिलाफ नारेबाजी करते हुए शहीद स्मारक पहुंचकर सैनिकों को श्रद्धांजलि दी। इसका नेतृत्व कर रही आपकी महिला जिलाध्यक्ष मीरा सिंह ने कहा कि गलवान घाटी में चीनी सैनिकों की हरकत और भारतीय सैनिकों की शहादत से पूरा देश मर्माहत है और हम चीन को बताना चाहते हैं कि अपने सैनिकों के साथ हैं। चीन के बॉर्डर पर जो हमारे सैनिक शहीद हुए हैं उनसे हम लोग काफ़ी मर्माहत हैं और उन्हीं के उसी की वजह से हम लोग अपने पहले तो जिला कार्यालय आम आदमी पार्टी में श्रद्धांजलि सभा आयोजित किया गया है और फिर वहाँ से कार्यालय से लेकर के शहादत स्थल तक हम लोग कैंडल मार्च किए हैं और यहाँ पर हम लोग सभा करके सपूत शहीद हुए हैं भारतीय सेना से, उनको श्रद्धांजलि हम लोग ने अर्पित किया है। बताने के लिए आए हैं कि भारत अब 1962 वाला भारत नहीं है, 1967 वाला भारत नहीं है, ये 2020 का भारत है। चीन की का ईट से ईट बजाने के लिए पूरा भारत 130 करोड़ की आबादी पूरे एकजुट है। हम लोग यहाँ पर हमारे प्रधानमंत्री का समर्थन करने के लिए आए हैं। अगर उनको जरूरत कदम उठाना पड़े, किसी भी तरीके का निर्णय लेना पड़े, आम आदमी पार्टी और पूरे 130 करोड़ की आबादी उनके साथ में खड़ी है। चीन को सबक सिखाया जाना चाहिए क्योंकि हमारे निहत्थे सैनिकों पर चीन ने कायराना हरकत करते हुए हमला किया है। हालांकि इसके एवज में 43 चीनी सैनिकों की को भी मौत का घाट उतारा गया। ये हमारे शौर्य का प्रतीक है, हमारे ताकत का प्रतीक है कि हम मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार हैं। साथ में हम यह भी मांग करते हैं कि जो शहीद हुए हैं चीन के बॉर्डर पे, गलवान बॉर्डर पे, उनको कम से कम जो दिल्ली सरकार 1 करोड़ रुपये का मुआवजा देती है, कम से कम 1 करोड़ रुपया दिया जाए और हम लोग प्रयास करेंगे कि दिल्ली सरकार के माध्यम से भी उनको सहायता राशि उपलब्ध करवाई जाए। और केंद्र सरकार से भी मांग है कि देश की रक्षा करते हुए जो लोग शहीद हुए हैं उनको कम से कम 1 करोड़ रुपया दिया जाए। वहीं जिले के कैंटीन चौक पर राष्ट्रीय जनकल्याण संघ के कार्यकर्ताओं ने भी चीन के खिलाफ नारेबाजी करते हुए चीनी उत्पादों का बहिष्कार किया और राष्ट्रपति का पुतला फूंका। रणवीर भारती, राहुल सिंह और दिलखुश यादव समेत तमाम कार्यकर्ताओं ने स्थानीय दुकानदारों को गुलाब का फूल देकर चीनी उत्पाद नहीं खरीदने और प्रशासन से चीनी वस्तुओं की एंट्री रोकने का भी आह्वान किया। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी वन इंडिया।